कि कैसे हम विदाउट इन्वेस्टमेंट इंडिया मार्ट में अपना सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज मेरे कॉन्टैक्ट में ऐसे बहुत से सेलर हैं जिनको मैं जानता हूँ जो इंडिया मार्ट पे ड्रॉप शिपिंग करते हैं, बेसिकली बिना इन्वेस्टमेंट के अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। अब ये कैसे वर्क करता है? तो देखिए, ये जो बिज़नेस है विदाउट इन्वेस्टमेंट का, ये वही सेलर्स कर सकते हैं जो ऐसे सिटी से बिलोंग करते हो जहाँ पर प्रोडक्ट उन्हें मिल जाए बड़े ईजिली तरीके से। जैसे दिल्ली के सेलर्स होते हैं जो दिल्ली में रहते हैं, या फिर मुंबई, राजकोट, अहमदाबाद, सूरत, इस तरह के जो बड़े सिटी है, यहाँ पर क्या होता है कि इन सिटी पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, और जो छोटे छोटे सिटी के सेलर्स होते हैं वो जाते हैं उस सिटी पे और वहाँ से प्रोडक्ट लेके आते हैं, या फिर वहाँ पर इंडिया मार्ट के थ्रू कॉल करते हैं वहाँ के सेलर्स को, फिर वो ट्रांसपोर्ट से भेजते हैं। तो ये ड्रॉप शिपिंग करने के लिए पहला तो रिक्वायरमेंट है कि या तो आप ऐसे सिटी से हो जहाँ पर आपको प्रोडक्ट एकदम बहुत ही बल्क, मतलब चीप रेट में मिलता है, और मतलब वहाँ पर आपकी या तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी या फिर कोई होगा प्लांट वगैरह जहाँ पर ये प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग आपके सिटी में हो रहा हो, या फिर आप ऐसे सिटी से हो जहाँ पर ऑलरेडी ये प्रोडक्ट आते हैं, बल्क में आते हैं और होलसेल रेट में वहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला तो रिक्वायरमेंट ये हो गया। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको अब समझ में आएगा। तो गाइस देखिए, जब आप ऐसे सिटी से होते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है कि आप एक जीएसटी नंबर आपको लेना होगा, बैंक अकाउंट, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इससे आपको अपना इंडिया मार्ट में सेलर अकाउंट क्रिएट कर लेना है। सेलर अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको वो प्रोडक्ट्स लेके आने हैं ओनली कैटलॉगिंग के लिए, एक पीस दो पीस लेके आइए, या नहीं भी लेके आएंगे, आप फोटो खींच के लेके आएंगे तो आप इंडिया मार्ट में आसानी से लिस्ट कर पाएंगे। अब आपको यहाँ पर लिस्टिंग कर देनी है। अब इंडिया मार्ट पे जब भी आपको कोई रिक्वायरमेंट आएगा तो वो क्या आएगा, कॉल के थ्रू आएगा, कॉल के थ्रू आएगा, आप उस अटेंड कीजिए। यहाँ पर आपको प्राइसिंग अच्छी देनी पड़ेगी। अगर आपका प्राइसिंग 10 रुपये भी ज़्यादा है तो आपके हाथ से ऑर्डर जा सकता है, और अगर आपके जो प्राइसिंग है वो 10 रुपये से भी कम है, 10 रुपये कम है अदर सेलर से, तो आपको ऑर्डर डेफिनेटली आएगा, क्योंकि यहाँ पे बल्क में डीलिंग होती है। और 5 रुपये भी अगर किसी प्रोडक्ट में ज़्यादा लग रहा है किसी सेलर को तो वो भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बल्क में डीलिंग होती है। तो आप क्या करना है, आपने कैटलॉगिंग कर दी, आपको कॉल आया, आपने कॉल रिसीव किया, अपने कस्टमर को यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया और वो आपसे बाय करने के लिए रेडी हो गए। अब इंडिया मार्ट में मुझे सबसे बढ़िया क्या लगता है कि आपको जो भी बाय कर रहा है वो आपको पेमेंट एडवांस में करेगा। आपको जब पेमेंट आप वहाँ पर जो बायर्स है वो कर देता है, उसके बाद आप जहाँ पे जिस भी सिटी में हो, अगर मान लीजिए आप दिल्ली से हो तो दिल्ली से फिर आप उनको प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट पे लगाओगे। विदाउट पेमेंट का यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है, पहले पेमेंट करिए उसके बाद ही आपको प्रोडक्ट वहाँ ट्रांसपोर्ट में लगाया जाता है। क्योंकि मैं खुद यहाँ पर इंडिया मार्ट से बाय करता हूँ, आप भी खुद मुझे लगता है इंडिया मार्ट से आपने बाय किया होगा तो आपको पता ही होगा कि पहले यहाँ पेमेंट करना पड़ता है। तो पेमेंट आपके पास आ गया, आपने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेलर अकाउंट क्रिएट किया, उसके बाद आपने कैटलॉगिंग कर दी, और आपको जैसे ही ऑर्डर आया तो आप सप्लाई वहाँ पर बायर आपको पेमेंट कर देगा। अब वो पेमेंट आप क्या करोगे, फॉरवर्ड कर दोगे किसको, जिससे आपको प्रोडक्ट लेना है। और क्योंकि आप प्रोडक्ट वहाँ से बल्क में बाय कर रहे हो तो वो आपको होलसेल रेट देगा ही देगा। आपने यहाँ पर 15% 20% डिपेंड करता है मार्केट प्लेस के ऊपर कि मार्केट प्लेस में वो प्रोडक्ट क्या कितना प्राइस तक सेल हो रहा है। स्टार्टिंग में आप कम प्राइस में सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको रिटर्न देखिए इसमें बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, क्योंकि आप ट्रांसपोर्ट से माल भेजते हो, प्रोडक्ट्स उसको कस्टमर पूरा सर्टिफाई हो जाता है, कस्टमर उसके बाद ही ऑर्डर करता है। तो आप वहाँ बल्क सप्लायर से प्रोडक्ट उठाइए और उसे ट्रांसपोर्ट में लगा दीजिए, ये सब सेलर तक आ जाएगा। यहाँ पर आपको जीएसटी अपना मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आप दूसरे जिससे आप प्रोडक्ट ले रहे उसी के नाम से जीएसटी से मत भिजवा दीजिएगा, नहीं तो फिर यहाँ पर बायर क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम से डायरेक्ट उन्हीं से कॉन्टैक्ट करेगा। इसलिए आपके पास जीएसटी नंबर तो होना चाहिए ताकि आप अपने कंपनी के नेम से ऑपरेट कर सको। ऐसे बहुत से सेलर कर रहे हैं दिल्ली मुंबई में, ऐसे बहुत से सेलर्स हैं जो ऐसा कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, इंडिया मार्ट में कैटलॉगिंग कर देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं या होलसेलर हैं उनसे प्रोडक्ट उठाते हैं, कुछ कमीशन अपना रखते हैं और सीधे फॉरवर्ड कर देते हैं। वहाँ पर आप वो जो जिससे भी आप सब उठा रहे हो वही आपका जो बायर है उसके ट्रांसपोर्ट तक लगा भी देता है। ऐसी बहुत से जो सेलर है वही फैसिलिटी देते हैं, बाकी आप भी लगवा सकते हो। और बायर्स को कई बार तो ट्रांसपोर्टेशन का एक्स्ट्रा चार्ज भी पे करना पड़ता है, मैंने भी कई बार पे किया है जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है पैकिंग वाले के लिए, और ट्रांसपोर्ट में आने के बाद उनको पेमेंट देके तो लेना ही पड़ता है। तो ये एक मॉडल है जहाँ पर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट इंडिया मार्ट के थ्रू अर्निंग कर सकते हो गाइस, कमीशन अच्छे अर्न कर सकते हो। बस इसमें आपको थोड़ा सा माइंड यूज कर रहे हैं और बड़ी आसानी से आप यहाँ पर, अगर आप एक ऐसे सिटी से हो जहाँ प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल है तो आप घर बैठे यहाँ पर एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो, बहुत सा सरल कर रहे हैं। सो गाइज अब बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पर मुझे सेल करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ जीएसटी नंबर चाहिए और आपका बैंक अकाउंट नंबर चाहिए जहाँ पर आप पेमेंट रिसीव करेंगे। अब आप ये पूछोगे कि सेविंग अकाउंट चलेगा क्या या फिर करंट अकाउंट चलेगा। तो देखिए अगर आप इंडिया मार्ट में सेलिंग करने जा रहे हो तो आप बिल्कुल ही करंट अकाउंट यूज कीजिए और अपने कंपनी के नेम का करंट अकाउंट यूज कीजिए।
क्या होता है कि इंडिया मार्ट देखिए दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर प्लेटफॉर्म आप सिर्फ बायर और सेलर्स को कनेक्ट करा रहा है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म के थ्रू पेमेंट तो कर सकते हैं बट सेलर्स जो बायर्स होते हैं वो ट्रस्टेबल सप्लायर को ही पेमेंट करते हैं। तो अगर आपका GST नंबर रजिस्टर्ड है तो आप सेलर यहाँ पर बनोगे, तो एक तो आपका ये ट्रस्ट हो गया। दूसरा, जब आपके कंपनी के नेम से ही आपका अकाउंट होता है तो जो बायर्स हैं वो भी पेमेंट करते टाइम उन्हें भी कुछ ऐसा डाउट नहीं होता है, वो आसानी से आपको पेमेंट करते हैं अगर आपकी कंपनी के नेम का यहाँ पर अकाउंट है जिस कंपनी नेम से आप ऑपरेट कर रहे हो। तो बिल्कुल ही करेंट अकाउंट यूज कीजिए और आपका GST नंबर दो डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सेलिंग यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। कैसे हम सेलर अकाउंट क्रिएट करेंगे और क्या मार्केटिंग का यहाँ पर क्या फंडा होता है, क्या पेमेंट आपको लगाना पड़ता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर हमें इंडिया मार्ट में अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको seller.indiamart.com पे आना पड़ेगा। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो यहाँ आने के बाद आपको अकाउंट क्रिएट करने का सिंपल प्रोसेस है। आपको फ़ोन नंबर ऐड करना है और यहाँ पर अपना नेम ऐड करना है। उसके बाद आपको बिजनेस एड्रेस ऐड करना है और अपनी कंपनी के डिटेल जैसे GST नंबर वगैरह ऐड करना है। एंड देन आपको मिनिमम 3 प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करने हैं, और जैसे ही आप ऐड कर लेते हैं आपका इंडिया मार्ट में लिस्टिंग जो है कंप्लीट हो जाता है। बड़ी ईजी लिस्टिंग है। आगे मैं स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा लिस्टिंग का, फिर अपना बिजनेस कैसे प्रमोट करें इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो आने वाले हैं। तो ये सिंपल स्टेप है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद सिंपली अपना मोबाइल नंबर दीजिए और आपका यहाँ पर अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो डोंट वरी, आप जैसे ही अपना मोबाइल नंबर देके एंटर होंगे आपका तुरंत यहाँ पर कॉल आ जाता है। विद इन आपको 24 आवर के अंदर आपको इंडिया मार्ट के जो कस्टमर सपोर्ट है वो खुद ही आपको कॉल करते हैं और आपका सारा लिस्टिंग वगैरह के लिए आपको गाइड करते हैं। वैसे मेरे चैनल पे आपको लिस्टिंग का वीडियोज भी आएंगे। अब बात करते हैं, अगर आप इंडिया मार्ट पे आ रहे हो और आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो तो आप ये जरूर चाहोगे कि आपको ऑर्डर रिसीव ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट देने ही लग रहा है। तो यहाँ पर आप इंडिया मार्ट का यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट है वो यूज कर सकते हो, जिससे कोई भी बंदा अगर इंडिया मार्ट पे आता है और सिंपली यहाँ पर सर्च करता है किसी प्रोडक्ट के बारे में तो आपका जो लिस्टिंग है वो यहाँ पर फर्स्ट में शो करे। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, इसके लिए आप इंडिया मार्ट का जो एडवर्टीजमेंट का प्लान होता है वो आप ले सकते हो। सिंपली बहुत ही बेसिक प्लान है इनका, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि वो आप कैसे ले सकते हैं। सो गाइस, अगर आप इंडिया मार्ट के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हो तो आप अब इनका पेड मेंबरशिप ले सकते हो। इससे होगा क्या कि जो भी बंदा सर्च करेगा उसमें आपकी जो लिस्टिंग है वो प्रमोट की जाएगी और फर्स्ट पेज में आपका लिस्टिंग शो किया जाएगा। अब गाइज, ये पेड प्लान लेने से क्या प्रॉफिट होता है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए आपकी जो लिस्टिंग की विजिबिलिटी है वो हाई होगी इंडिया मार्ट पे। उसके बाद आपको इंडिया मार्ट के तरफ से 7 बायर लीड पर वीक मिलेगी, ठीक है। यानी बायर्स का जो नंबर्स है, बायर्स जो आपके प्रोडक्ट्स बाय करना चाहते हैं उस तरह के प्रोडक्ट्स, उसका लीड आपको मिलेगा और ये आपको मिलेगा हर वीक, ठीक है, 7। इसके बाद आप पेमेंट ऑनलाइन रिसीव कर पाएंगे भाया इंडिया मार्ट, क्योंकि कई बार सेलर ट्रस्ट नहीं करते तो इंडिया मार्ट के थ्रू आप पेमेंट रिसीव कर पाएंगे। और ईमेल बेस और वेब बेस इंक्वायरी कॉल्स आपको मिलता रहेगा और यहाँ पर आपको लीड मैनेजमेंट सिस्टम भी इससे मिलता है। अब गाइज, यहाँ पर जो प्लान है मंथली आप अगर लेना चाहते हो तो 3000 है और आपका एनुअल 28500 है और मल्टी ईयर प्लान आपका 75000 है। सो गाइज, अगर आप स्टार्टिंग में प्लान के बिना स्टार्ट करना चाहते हैं सीखने के लिए तो वो भी आप कर सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। हमने देखा कि इंडिया मार्ट में आप कैसे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही इंडिया मार्ट से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम में सीधे मुझे DM भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।